तो क्या इस साल हमें सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस एनएक्सटी देखने को नहीं मिलेगा? उसके अलावा सर्वाइवर सीरीज में WWE चैंपियनशिप मैच को लेकर क्या प्लान्स हैं? उसके अलावा क्या रही इस हफ्ते एनएक्सटी की रेटिंग? उसके अलावा क्या है गाइस, बहुत जल्द होने वाली है वेडनेसडे नाइट वॉर एंड। तो गाइस अगर आप इन सभी बातों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनएक्सटी की रेटिंग से, और गाइस सबसे पहले जानते हैं क्या रही थी एनएक्सटी की लास्ट वीक की रेटिंग। तो गाइस लास्ट वीक एनएक्सटी को रेटिंग मिली थी 8,24,000, लेकिन अगर हम बात करें इस हफ्ते की तो व्यूअरशिप ज़्यादा तो नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर व्यूअरशिप में फ़ायदा हुआ है। और इस हफ्ते एनएक्सटी को व्यूअरशिप मिली है 8,49,000, और गाइस डेमोग्राफिक में भी एनएक्सटी ने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है। और गाइस टॉप 150 केबल्स की रैंकिंग में एनएक्सटी 10 नंबर पर रैंक करी थी, जो कि एनएक्सटी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि गाइस एनएक्सटी से जुड़ी है। और गाइस बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आपको वेडनेसडे नाइट वॉर खत्म होती हुई नज़र आने वाली है। और गाइस ये ऐसे क्योंकि गाइस ऐसा माना जा रहा है कि एनएक्सटी आपको वेडनेसडे नाइट से अब ट्यूजडे नाइट्स पर ही परमानेंट देखने को मिलेगी। अगर आप जानते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं तो पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि एनएक्सटी ट्यूजडे पर आ रही है, क्योंकि गाइस अभी फुटबॉल वगैरह के गेम चल रहे हैं USA के अंदर, जिसकी वजह से एनएक्सटी को ट्यूजडे पर शिफ्ट किया गया। और गाइस हमने जो स्टैट्स देखे हैं पिछले कुछ हफ्तों के, उनके हिसाब से एनएक्सटी ट्यूजडे पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और WWE देखना चाहती है कि एनएक्सटी को अच्छी रेटिंग मिले। और गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि USA नेटवर्क भी काफ़ी देर से WWE को कह रहा था कि एनएक्सटी को ट्यूजडे पर ला देना चाहिए। और गाइस इसके बड़े का सबसे बड़ा कारण है डायनामाइट। जैसे कि आप सब जानते हैं, डायनामाइट जब से एनएक्सटी के सामने आया है तब से बेयरली एनएक्सटी कभी कभार डायनामाइट को हरा पाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डायनामाइट की जीत देखने को मिलती है रेटिंग्स में। और गाइस ये भी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से आपको एनएक्सटी सुपर ट्यूजडे पर देखने को मिल जाए, यानी कि हर वीक ट्यूजडे पर आएगी एनएक्सटी। अब गाइस मैं आपको बता दूं, ये इनिशियल रिपोर्ट्स है, अभी कंफर्म बात कुछ नहीं है, लेकिन गाइस बताया जा रहा है जो नेक्स्ट वीक सुपर ट्यूजडे वाला एपिसोड होने वाला है एनएक्सटी का, उसको ध्यान में रखते हुए WWE आगे फैसला लेने वाली है। और अगर वहाँ पर अच्छी रेटिंग्स आती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं वहाँ पर एनएक्सटी चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, तो WWE पॉसिबली ये डिसीजन ले सकती है कि एनएक्सटी आपको ट्यूजडे पर देखने को मिले। अब गाइस ये उन फैंस के लिए तो काफ़ी बुरी न्यूज़ है जो कि वेडनेसडे नाइट वॉर देखना चाहते थे, लेकिन बस WWE को जो करना है वो तो वो करके रहेंगे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, और गाइस ये जुड़ी है सर्वाइवर सीरीज से। तो गाइस अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमें सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन नहीं बल्कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस एनएक्सटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, लेकिन गाइस बताया जा रहा है कि इस साल आपको ये शायद देखने को ना मिले, क्योंकि गाइस इस साल WWE रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस एनएक्सटी तो क्या शायद रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की भी बुकिंग ना करे, क्योंकि गाइस रिसेंटली टॉप कूल ने अपने पॉडकास्ट पर यह बात रिवील किया कि WWE चाहती है कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन की फ्यूड को लंबा खींचना, और पॉसिबली आपको सर्वाइवर सीरीज तक इन दोनों की फ्यूड होती हुई नजर आएगी। यानी कि गाइस अगर इनकी फ्यूड सर्वाइवर सीरीज तक जाती है तो पॉसिबली वहाँ पर हमें WWE चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा, और वहीं पर इन दोनों की फ्यूड का एंड हो जाएगा। यानी कि गाइस क्लैश ऑफ चैंपियन हेल इन ए सेल तक के बाद भी इनकी फ्यूड चलने वाली है। तो गाइस ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं कि हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस एनएक्सटी देखने को मिले, क्योंकि अगर WWE लास्ट ईयर की तरह ही चैंपियन वर्सेस चैंपियन नहीं करवाने वाली, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं कि हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस एनएक्सटी देखने को मिले या फिर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन। तो गाइस मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस एनएक्सटी, लेकिन क्या पता WWE हो सकता है आगे जाकर प्लान में चेंज कर दे। लेकिन गाइस फिलहाल के हिसाब से WWE के यही प्लान है। तो गाइस बस हमारी वीडियो भी यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना तो कहीं मत जाना, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं सभी स्टोरीज के बारे में। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।